बिल्डिंग ब्लॉक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जस्ट इन टाइम इज प्रोसेस डिज़ाइन प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर बेसिकली प्रोसेस इज स्म लॉर्ड साइज का प्रोडक्शन तो प्रोसेस इस तरह डिज़ाइन होता है कि स्मॉल लॉर्ड साइज प्रोड्यूस होते हैं डिमांड uh, के मुताबिक प्रोड्यूस होते हैं जितनी यूनिट्स की डिमांड आती है उतनी यूनिट्स की प्रोडक्शन होती है और वो uh, प्रोसेस इस किस्म का होता है कि ये जो स्मॉल स्मॉल लाइट लॉज साइज है इसको वो अचीव कर लेते हैं तो बेसिकली कैसे करते हैं सेटअप टाइम की रिडक्शन की वजह से इफ यू रिकॉल ईओक्यू मॉडल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसके अंदर uh, जो फार्मूला है दैट इज टू डी एस ओवर एच स्क्वेयर रूट और एस जो है दैट इज सेटअप कॉस्ट ये आपके न्यूमरेटर के अंदर होता है तो अगर सेटअप कॉस्ट को हम रिड्यूस करें तो हम अपनी क्वांटिटी uh, जो है ऑर्डर क्वांटिटी वो रिड्यूस कर सकते हैं तो जितना सेटअप को हम रिड्यूस करेंगे उतना ऑर्डर क्वांटिटी हमारी रिड्यूस uh, होगी तो इसलिए सेटअप टाइम की रिडक्शन को टारगेट किया जाता है जस्ट इन टाइम के अंदर के उसकी रिडक्शन करें सो so दैट एक लॉट साइज की प्रोडक्शन जो है वो आपके लिए फीजबल हो जाए स्मॉल लॉट साइज की फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जब जस्ट इन टाइम उन्होंने यूज नहीं किया तो उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक मॉडल से दूसरे मॉडल में शिफ्ट करने के लिए दे हैड टू शट डाउन द प्लांट फॉर एट आवर्स वन शिफ्ट क्यों क्योंकि उनका प्रोसेस ही इस किस्म का था कि आठ घंटे लगते थे एक मॉडल से दूसरे मॉडल चेंज करने में तो सेटअप का एट आवर्स सेटअप लगने का मतलब है कि उसकी जो शटडाउन की कॉस्ट है उसको आपने स्प्रेड आउट करना है ऑन लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स और लार्ज नंबर ऑफ कार्स सो दैट कार के ऊपर जो ये फिक्स कॉस्ट सेटअप की पार है वो रिड्यूस हो सके और पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जबकि जैपनीज सिस्टम के अंदर वो सेटअप को ले आए हैं विद इन टेन मिनट्स जब वो टेन मिनट्स के अंदर एक मॉडल से दूसरे मॉडल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं तो लिटरली वो uh, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद अपना मॉडल चेंज करके दूसरा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि उनके जो सेटअप कॉस्ट है वो सिर्फ दस मिनट की है लेस देन टेन मिनट्स की है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती तो दैट इज़ प्रोसेस डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि सेटअप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें सेटअप टाइम को रिड्यूस कर सकें देन दे यूज मैन्युफैक्चरिंग सेल्स सेल्स फॉर फैमिली ऑफ प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं होती कि पूरी फैक्ट्री उसके लिए बनाएं तो वो सेल्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं अच्छा सेल्स भी वो यूज़ करते हैं यू शेप के अंदर और उसके बेसिस के ऊपर वो प्रोडक्शन करते हैं और उस सेल में वो कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन होती है जो कि एक ही टाइप के होते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा आपको इक्विपमेंट वग़ैरह चेंज नहीं करना पड़ता वर्क इन प्रोसेस सेल्स की वजह से आपके बहुत लिमिटेड वर्क इन प्रोसेस होता है आ, इसके अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा होती है रीज़न uh, बिंग कि आपको फॉरन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उसको आप रिमूव uh, कर लेते हैं प्रोडक्शन uh, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है क्योंकि स्मॉल लोड साइज होगा यू कैन जैसे ही मार्केट में डिमांड चेंज हुई आप उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को uh, एक मॉडल से दूसरे मॉडल में शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट uh, आपको वरी किए हुए कि जी ये कॉस्ट हमारी Uh, बढ़ जाएगी इसमें सिस्टम uh, बैलेंस्ड होता है ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटर्स आर वर्किंग फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इसके अंदर जैसे हमने लेआउट के अंदर देखा था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस लेआउट के अंदर uh, जहां हमें uh, जो वर्क सेंटर्स हैं उनका टाइम जो है उसको एक ही लेवल के ऊपर लेकर आना तो वो इधर ये फोकस होता है टारगेट होता है और सिस्टम को बैलेंस सिस्टम यूज़ किया जाता है और इन्वेंट्री जो है उसके लिए स्पेस ही नहीं इतनी ज़्यादा रखी जाती कि इन्वेंट्री स्टोर की जाए जगह ही नहीं होगी वो यूजली वो करते हैं कि वेरी लिमिटेड स्पेस छोड़ी होती है सो दैट लिमिटेड इन्वेंट्री जो है वो स्टोर की जाए इसके अंदर जो प्रोसेस डिज़ाइन है आ, उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि उन्होंने सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई ये बेसिकली सबसे ज़्यादा टाइम जो है फ्रॉम वन मॉडल कार का मॉडल टू अनदर मॉडल शिफ्ट करने में वो जो डाई होती है जो बॉडी को शेप देती है उसकी बॉडी डेवलप करती है कार की उस डाई को चेंज करना इज़ द प्रॉब्लम Uh, उसके अंदर टाइम रिड्यूस करना इस प्रॉब्लम तो जैसे मैंने बताया था कि अमेरिकन सिस्टम के अंदर uh, आठ घंटे लगते थे फ्रॉम वन मॉडल टू अनदर मॉडल शिफ्ट करने में तो वो यही वजह थी कि ये डाई जो है इसको शिफ्ट करना बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इसको हीट अप किया जाता है और उसके लिए फिर आपको मशीन uh, uh, ये पूरा प्लांट बंद किया जाता है सो so दैट इसको चेंज कर लिया जाए जबकि जापान में टारगेट इज सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई तो वो कि जी रिड्यूस करें इस टाइम को तो वो जस्ट इन टाइम के अंदर प्रोसेस डिजाइन में इस किस्म का प्रोसेस होता है कि आप इसको अचीव कर लेते हैं यूजली uh, ये किस तरह अचीव करते हैं कि आपने कैटेगराइज किया होता है चेंज ओवर एक्टिविटीज डाई के बेसिस के ऊपर वन इज इंटरनल एक्टिविटीज दैट कैन ओनली बी डन अगर मशीन को हम रोक लें मशीन चलती रहे तो उसको हम नहीं चेंज कर सकेंगे तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैटेगराइज किया? कि किया एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में एक वो एक्टिविटीज जो के इक्विपमेंट बंद किए बगैर हम चेंज नहीं कर सकते दूसरी वो एक्टिविटीज जो के एक्सटर्नल Uh, उनको एक्टिविटीज कहा जाता है और ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि विदाउट स्टॉपिंग द मशीन वी कैन चेंज फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल की डाय जो है उसको हीट अप करने के लिए वो चेंज कर लेंगे विदाउट स्टॉपिंग द मशीन वो डाय को हीट अप पहले ही कर लेंगे और फिर उस डाय को इंस्टॉल करेंगे मशीन रोक कर तो उसकी वजह से वो टाइम रिड्यूस कर लेते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ एक्सटर्नल हैं उनको वो उसी वक्त कर लेते हैं जब मशीन चल रही है और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरनल है फॉर एग्जांपल डाई चेंज करना हीट करना जो कि ज़्यादा टाइम लेता है वो एक्सटर्नल है उसको अलग से हीट कर लिया फिर इक्विपमेंट को रोका और उसके अंदर पुरानी डाई को रिमूव किया नई डाई उसमें इंस्टॉल की और वो जो सिस्टम है फिर से प्रोडक्शन उसने शुरू कर दी तो इस तरह इन्होंने सेटअप टाइम अपना रिड्यूस किया